उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चलती बस में अचानक आग लग गई। बस सवारियों से भरी हुई थी और तभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। चलती रोडवेज बस में लगी आग से आसपास हड़कंप मच गया। बस धू-धू कर जलने लगी। बस से आग की कई फीट ऊंची लपटे उठती दिखाई दी। बस से निकले काले धुएं से आसमान गुबार छा गया। कुछ लोग बस में लगी आग का वीडियो बनाते नजर आए। बस सवार सभी लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। बस में लगी आग को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस दौरान सड़क दोनों ओर लंबा जाम लग गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खबर है कि काबुल में हुए आतंकी हमले के बाद चीन ने अपने नागरिकों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दे दी। दो दिन पहले यानी 12 दिसंबर को आतंकियों ने शहर के उस होटल पर हमला बोल दिया था जहां बड़ी संख्या में चीनी नागरिक ठहरे हुए थे, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। और इसी हमले से घबराए चीन ने अपने नागरिकों को जल्द अफगानिस्तान छोड़ देने के लिए कह दिया, क्योंकि चीन को यह लग रहा है कि वहां उसके नागरिकों पर आगे भी हमले हो सकते हैं। दो रोज पहले जिस होटल पर हमला हुआ था वहां ज्यादातर चीन के नागरिक ही ठहरते थे। आतंकी हमले के वक्त भी होटल में कई चीनी नागरिक मौजूद थे, जिसके कई वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें पूरी इमारत धुएं से ढकी नजर आई थी, जबकि इमारत के अंदर हो रही गोलीबारी से पूरा इलाका दहल गया था। कई लोगों ने तो जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से छलांग तक लगा दी थी। हालांकि बाद में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया था, लेकिन इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई थी। इसी बात से डरकर चीन ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर फौरन अपने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दी।